भाजपा शासित राज्य मणिपुर में हुई महिला उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने मणिपुर सरकार को भंग करने और नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा देने की मांग की। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए देश को शर्मसार करने वाली घटना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र सरेआम रोड पर घुमाने और बलात्कार करने वालों के खिलाफ कांग्रेसियों ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की और केंद्र सरकार से मणिपुर की सरकार को भंग करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। बीजेपी में आज कहते हैं कि बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं कि महिला सुरक्षित है। मेरे को लगता है कि जब से बीजेपी सरकार बनी है उसी दिन से महिलाओं के साथ कहीं से कोई इंसाफ और कहीं नेक कोई काम महिलाओं के साथ नहीं हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री अपने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि अपने पद से इस्तीफा दें और उसको हटाए। पूरे देश शर्म की वजह से आज पूरे देश का सर झुका हुआ है, तो हमने ये मांग की है आज की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और हमारी माँ बहनों के साथ जो अन्याय हुआ है उन दोषी उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।